अगर आप इंडिया में 2024 के एंड होते होते कोई भी गाड़ी को बुक करने की सोच रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ वेटिंग पीरियड की लिस्ट गाड़ियों के बारे में। मेरे पास इस वीडियो के अंदर कम से कम 13 से ऊपर गाड़ियां हैं और उनके साथ में कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक गाड़ी के बारे में बताऊंगा और उसके साथ में उस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में मतलब कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है इंडिया के अंदर उस चीज के बारे में बात करूंगा। हो सकता है आपकी सिटी के अंदर आपको गाड़ी जल्दी मिल जाए, लेकिन जनरली ये रिपोर्ट बन रही है, मतलब ओवरऑल इंडिया को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ज्यादा R&D करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार किया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं टाटा की। टाटा के अंदर सबसे पहले पंच की बात करें तो कम से कम 4 वीक से लेके 5 वीक के तक, मतलब 5 वीक तक के आपको मतलब जो है वेटिंग पीरियड्स देखने को मिल जाएंगे टाटा पंच के साथ में। अगर इसका CNG के साथ में मीड वाला वेरिएंट अगर आप खरीदना चाहते हो मैनुअल वाला, तो वो सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड के अंदर है, जो कि ये वाला जो मैंने बोला 5 वीक्स तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर ज़्यादातर डिलीवर हो जाती है गाड़ी, लेकिन स्टिल लिस्ट के अंदर है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं पर्टिकुलर सिटीज़ के जहाँ पे नोटिस किया गया है। बाकी अगली गाड़ी है कव, 8 से लेकर 9 वीक तक का, क्योंकि गाड़ी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्शन वाइज गाड़ियाँ लॉन्च होने के बाद में निकलती है, जैसे जैसे बुकिंग्स होते वैसे वैसे कस्टमर्स को मिलती जाती है। तो अभी तो मोस्टली टाटा के डीलर्स यही बोल रहे हैं कि कब आपको दिवाली के अराउंड हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आपने पहले पहले सितंबर के स्टार्टिंग में बुक किया है तो। बाकी कब के बाद अगली गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन, 7 वीक्स के अराउंड इसका आपको जो है बुकिंग्स देखने को मिल जाता है। अभी नेक्सॉन के अंदर इस वीडियो के अंदर हमने CNG के वेटिंग पीरियड को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डेटा अभी तक नहीं आया है, लेकिन नॉर्मल वाली नेक्सॉन की बात करें पेट्रोल डीजल के साथ में, तो डीजल के साथ में पर्टिकुलर एक वेरिएंट ऐसा है और पेट्रोल के साथ में भी एक वेरिएंट मैनुअल वाला ऐसा है जिनके साथ में दोनों को मिला के एवरेज निकाली जाए तो ओवरऑल आपको गाड़ी के साथ में 7 to 8 वीक्स तक की वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाती है। अगली गाड़ी की बात करें वो है महिंद्रा का लाइनअप। महिंद्रा से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 700 से 2 महीने की कम से कम आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाती है। एक्चुअली 700 के साथ में रिसेंटली इसकी प्राइस को कम किया गया था, वो आपने नए वाले ब्रोशर्स वगैरह देखे होंगे, क्योंकि हैरियर और सफारी के साथ में भी टाटा ने कम किए थे तो महिंद्रा ने भी 700 के साथ में प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे मिनिमम 45,000 तक के। तो 700 के साथ में ये सारी चीज़ें चल सकती है, मतलब हो सकता है आपके एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन इतना एवरेज चल रहा है 2 महीना। अगली गाड़ी की बात करें तो वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो N, 10 वीक का आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी लगा लो 2 महीने का ही हो गया, लेकिन 700 से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है क्योंकि इसकी सेल्स बढ़ रही है। अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी प्रीवियस मंथ वाली तो आपको पता होगा कि 700 के कंपेरिटिवली स्कॉर्पियो N का जो पर्टिकुलर Z4, Z6 और जो सिलेक्ट वाला वेरिएंट होता है, जो भी Z के 6 के साथ में हो या 8 के साथ में, वो ज़्यादातर बिक रहा है और ऐसे में जो है डिस्काउंट के साथ में भी महिंद्रा इसके साथ में कम डिस्काउंट दे रही है। खैर अगली गाड़ी है XUV 3XO, 2.5 से 3 महीने की वेटिंग। मैं तो बोल रहा हूँ 2.5 महीना जो है वो मेजोरिटी तौर पर अगर आपका डीलर जो है बहुत बड़ी मतलब जो शोरूम लेके बैठा है तो आपको प्रोवाइड कर देगा अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह लगता है, फ्रेंड वगैरह है तो। बाकी आपको मिनिमम 3 महीने का बोला जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो मिनिमम 3 महीने के अराउंड आपको डिलीवरी मिल जाती है। XUV 3XO की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी वेरियंट हो मिनिमम 3 महीने ये लोग अभी तो लगा रहे। अगली गाड़ी है महिंद्रा की थार रॉक्स, जिसके बारे में सभी को बताया 4 से 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। खैर जब 700 आई थी तब तो 1-1 साल तक वेटिंग पीरियड गया था, लेकिन उम्मीद करते हैं थार रॉक्स के साथ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि महिंद्रा को और भी बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च करनी है 2025 के अप्रैल के पहले। कौन सी गाड़ियां है वो सारी चीज़ें आपको पता है, अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हो हमारी फैमिली के साथ में ज्वाइन हो तो आपको वो चीज़ें पता है, नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके अभी चेकआउट कर सकते हो महिंद्रा की अपकमिंग कार्स। बाकी थार रॉक्स के बाद अगला लाइनअप जो है वो टोयोटा का रहने वाला है। हाई राइडर CNG की बात करें
चार से पांच वीक तक का वेटिंग पीरियड आपको हाई राइडर सीएनजी के साथ में मिल जाता है। मिनिमम आप लगा सकते हो 25 to 30 days के अराउंड आपको गाड़ी मिल जाती है। वहीं पे हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अगर आप लेने जाते हो तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको डिलीवरी 4 to 5 days के अंदर अंदर मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बाकी फॉर्चूनर वगैरह आराम से आपको 20 to 25 days के अंदर मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर जो गाड़ियां 30 days के ऊपर जा रही है उन्हीं की लिस्ट है। अगली गाड़ी की बात करते तो वो है हुंडई का लाइनअप। वेन्यू सबसे पहले आती है, 1.5 to 3 months तक का वेटिंग पीरियड इस गाड़ी के साथ में भी चल रहा है। अभी इस कंपैरिजन में बात करें महिंद्रा की तो वो 3XO को रिसेंटली लॉन्च करके बैठे हैं, फिर भी 3 months के अंदर अंदर गाड़ी वो लोग आपको दे रहे हैं। तो उसके कंपैरेटिवली बात करें तो वेन्यू का थोड़ा सा आपको डल लगेगा, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा बिकती है, फिर भी नो डाउट ज़्यादा डिमांड है, बट स्टिल हुंडई फुलफिल करने में थोड़ी बहुत डिले कर रही है। तो मैक्सिमम 3 months तक का वेटिंग पीरियड आप मान के चल सकते हो। वेन्यू के बाद है हुंडई की एल्केज़ार फेसलिफ्ट जो अभी अभी आई है, उसके साथ में डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। एज पर हुंडई 4 to 5 months तक का वेटिंग पीरियड आपको मिल जाएगा गाड़ी के लॉन्च होने के बाद। डीलरशिप पे अगर आपने पूछा होगा तो आपको पता होगा वो लोग मिनिमम 28 to 30 days बोल रहे थे, मतलब एटलीस्ट टेस्ट ड्राइव के लिए वो लोग 1 month के बाद बोल रहे थे। तो आप सोच सकते हो हुंडई का क्या सीन रहता है गाड़ी को लॉन्च करने के बाद। बाकी एल्केज़ार के साथ में ये सीन अभी चल रहा है। अगेन अगली गाड़ी की बात करें हुंडई की ओर से तो वो है क्रेटा जो अभी चल रही है, उसके साथ में अप टू 6 months का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। अप टू 6 months इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे 1 month के अंदर अंदर मिल जाती है, एन लाइन तो आपको दूसरे ही दिन मिल जाएगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बात करें तो बहुत सारी सिटीज़ के अंदर जल्दी मिल जाती है, तो बहुत सारी सिटीज़ के अंदर मैक्सिमम 6 months तक आपको गाड़ी मिलती है। तो इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड आपको जो है क्रेटा के साथ में मिल रहा है, तो ये गाड़ी हमेशा से डिमांड में रही है। तो इसके साथ में तो ये सारी चीज़ें आती ही नहीं कि अचानक से कैसे बढ़ गई डिमांड, तो ये सारी चीज़ें। अगली गाड़ी है मारुति की डिज़ायर, 4 months तक की वेटिंग पीरियड है। हालांकि मारुति की बात करें डीलरशिप पे आपको बोला जाएगा कि 1.5 months लगेगा, लेकिन आपको गाड़ी मिल जाती है 20 to 25 days। और ये सेडान होने के बावजूद इकलौती ऐसी कॉम्पैक्ट सेडान है जो कि आज भी बहुत ज़्यादा बिकती है। तो रीज़न आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके कि क्या रीज़न हो सकते हैं। बाकी डिज़ायर मतलब ऐसे चुटकियों में बिकती है मारुति के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, अभी भी सेडान को मतलब लोग कंसिडर करते हैं। अगली गाड़ी है मारुति की नई स्विफ्ट, न्यू जेन स्विफ्ट जो आई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फेसलिफ्टेड स्विफ्ट अप टू 4.5 months के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 4 months के अराउंड इसकी भी डिलीवरी मोस्टली एज सुन एज पॉसिबल हो जाती है। एज पर दी मारुति सुजुकी वो लोग भी बोलते हैं कि 4 months के अंदर अंदर हम आपको गाड़ी की डिलीवरी दे देते हैं, और जितना ये लोग ऑन पेपर बोलते हैं उससे तो कम ही टाइम के अंदर ये लोग डिलीवर करते थे, तो एक्सपेक्टेशन के कंपेरेटिवली ज़्यादा जल्दी मिल जाती है आपको। अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा के साथ में जो भी चीज़ है वहाँ पे लोग कंसर्न में होंगे कि ये लिस्ट में नहीं है, लिस्ट में जानबूझ के नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपको 25 डेज के अंदर अंदर मिल जाती है, इसीलिए मैंने जानबूझ के बोला कि अगली गाड़ी है ब्रेजा। तो ब्रेजा के साथ में यही सीन है, आपको गाड़ी जल्दी मिल जाती है, तो इसीलिए लिस्ट के अंदर नहीं है। ओवरऑल हमारे लिए इन्फॉर्मेशन यही थी आपके लिए। अगर आप वेट कर सकते हो 2025 तक तो कर लो, क्योंकि अगर अभी बुक करोगे और फिर जब डिलीवरी आएगी तब के प्राइस तब आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपके लिए यही एक एडवाइस रहेगी, अगर जल्दी गाड़ी चाहिए तो अभी बुक करना, अगर पे मतलब वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली 2025 के जनवरी के एंड के बाद बुक कर लेना, तो आपके लिए आपके पैसे भी बच जाएंगे, गाड़ी की डिलीवरी भी उस हिसाब से मिलेगी और 2025 के अकॉर्डिंग प्राइसिंग की रेंज भी आपको पता चल जाएगी। बाकी फिलहाल इतना था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।